दिल्ली में जारी पानी की किल्लत को लेकर आज भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन दर्ज करने जा रहे हैं। वजीराबाद पॉन्ड में पानी लगभग खत्म हो चुका और इस बात से परेशान है लोग। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। दिल्ली के विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को बाकायदा पत्र लिखकर रविवार को मिलने का समय मांगा। माना जा रहा है कि आने वाले एक दो दिन में दिल्ली का जल संकट और गहरा सकता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ईंधन पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। राज्य में पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 25.92% से बढ़ाकर 29.84% कर दिया गया। वहीं डीजल पर सेल्स टैक्स 14.34% से 18.44% टैक्स बढ़ने के बाद कर्नाटक में पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। बेंगलुरु में पेट्रोल के प्रति लीटर दाम 102.84 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी दल अब पहले सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने का इंतजार करेंगे। अगर सत्ता पक्ष ने आम सहमति से उम्मीदवार दिया तो ठीक, वहीं तो विपक्ष स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार जरूर देगा। एनसीपी शरद के मुखिया शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। उनका धन्यवाद दरअसल एक कटाक्ष था। पवार ने दावा किया कि जहां जहां पीएम का रोड शो और रैली हुई वहां हमारी जीत हुई। पवार ने कहा कि एमबीए के लिए राजनीतिक माहौल अनुकूल बनाने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते हैं। नवी मुंबई में एक बकरे के नाम पर विवाद हो रहा है। इस बकरे के शरीर पर राम नाम लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि ऐसा जानबूझकर कानून व्यवस्था में खलल डालने के लिए किया जा रहा। पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत को आधार मानते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने माना कि गांव कस्बों में 91% सोना बताकर 20-30% सोना बेचा जा रहा। दरअसल हॉलमार्क की व्यवस्था सिर्फ बड़े शहरों में ही लागू और गांव छोटे जिलों में जूलर्स बिना हॉलमार्क के गहने बेच रहे। कमेटी ने कहा कि बड़े जूलर्स केवल हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचते हैं और मिलावट की गुंजाइश होती नहीं है। हरियाणा सरकार ने बिजली बिल पर मंथली रेंटल खत्म कर दिया। मनोहर सरकार ने इस फैसले को अब लागू किया। अब तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाली टैरिफ 1 में आने वाले बिजली ग्राहकों पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को केवल यूनिट के हिसाब से ही बिल भरना होगा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के आखिरी गांव शहबाद बाला वेरीनाग में आजादी के 75 साल बाद सड़क निर्माण होने जा रहा। इस इलाके में हेंगी पोड़ा को सास खुदान से जोड़ने वाली सड़क तैयार की जाएगी। ये सड़क इस गांव से होकर जाएगी। हालांकि अभी सिर्फ इस सड़क का काम शुरू हुआ, अभी इसे बनने में काफी समय लगने वाला है। इसराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन दर्ज किया है। बंदूक की रिहाई को लेकर यहां के लोग सरकार का विरोध कर रहे। हमास के खिलाफ इसराइल की जंग अब भी जारी। स्थानीय लोग देश में तय समय से पहले चुनाव की मांग भी कर रहे। दुनिया की कई शक्तियां इसराइल से युद्ध रोकने की अपील कर चुकी हैं। इसराइल की सेना IDF ने गाजा पट्टी में राफा क्षेत्र में सक्रिय अपनी टीम के वीडियो जारी कर दिया। IDF ने कहा कि उनकी सेना आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर छापेमारी कर रही, आतंकवादियों को मार गिराने के अलावा बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। Z News.